हाय गाइस, आज हम बनाने चल रहे हैं चांप की सब्जी। इसको जो है हमने अच्छे से धो लिया है, धो करके इसका पानी निचोड़ करके निकाल ली हूँ। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। कटिंग के लिए पहले हमें ऐसे करना है, फिर इसका ये लकड़ी निकाल देनी है और इसको फिर ऐसे गोले शेप में काट लेना है इस तरीके के। इसी तरीके के हमें सारे काट लेने हैं। गाइस, ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल करके ये चाप को फ्राई करेंगे। पहले गाइस ये देखो, मेरा जो है ये अच्छे से फ्राई हो गया है, बढ़िया सा। हल्का सा ये टाइट हो जाएगा तभी हमें इसको निकालना है, जबकि मेरा अब ये हो चुका है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ अब एक बर्तन में। डाल देना है फ्राई करने के लिए। फिर फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। अब ये भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, हम इसको भी निकाल लेंगे। गाइस, ये हमने कुकर चढ़ा लिया, कुकर में हमने डाल दिया ऑयल। अब इसके बाद हमें इसमें डालना है तड़का। ये तड़के के लिए हमने थोड़ा सा एक प्याज लिया है छोटा सा, और इसके लिए तीन चार मिर्चें ली हैं। अब इसको हम लगा देंगे इसमें तड़का। अब जब तक हमारा तड़का बनेगा तब तक हम तैयार कर लेंगे मसाले। गाइस, ये हमने इसमें जो है लहसुन प्याज अदरक और प्याज का पेस्ट बना करके पहले से तैयार कर रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे ये लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने हिसाब से रखिएगा जितना खाते हैं। और किचन किंग मसाला डाल देंगे दो चम्मच। एक चम्मच डालेंगे इसमें हम गरम मसाला, एक चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और दो चम्मच इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। गाइस, इसमें हम एक चम्मच जो है डाल देंगे ये देगी मिर्च। अब इसी में हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। गाइस, मसाले सारे मैं एक ही साथ तैयार कर लेती हूँ, आप की मर्जी है, आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना लीजिएगा। गाइस, मेरा तड़का हो गया है तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने मसाले तैयार किए थे। अब इसको डाल के रखे हम थोड़ा भून लेंगे अच्छे से। मसाले हमारे गए हैं पक। अभी इसी स्टेज पे हमें डाल देना है ये हमने टमाटर, दो से तीन टमाटर हमने पीस रखे हैं, फेवरेट बना रखे हैं। अभी इसको डाल देना है इसमें। इसको डाल करके अभी हमें और फिर से भूनना है जब तक कि हमारे मसाले अलग ना हो जाए तेल से। मसाले हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने फ्राई किया था चाप। इसको डाल करके थोड़ा हम इसको पहले भूनेंगे अच्छे से। गाइस, देखिए जैसे कि ये हमारा बन चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको गाढ़ा पतला रखना है उस हिसाब से। अब इसको रख करके दो तीन सीटी लगवानी है हमें। गाइस, ऐसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ इसको। सब्जी बनके हो गई है तैयार, ये देखिए किस तरीके की दिख रही है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। गाइस ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ऊपर से धनिया की। गाइस ये देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है, कैसी दिख रही है खाने में। तो दोस्तों बहुत ही स्वाद होता है, इसको बनाइए खाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइए हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ शेयर भी करिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।